गुड इन टेस्ट। हाय एवरीवन, और ये आया है इनविटेशन राघव के एनुअल फंक्शन का, एंड दिस इज अ ग्रेट ग्रेट थिंग, क्योंकि बच्चा जब स्टेज पे परफॉर्म करता है तो बहुत खुशी होती है एज ऑल पेरेंट्स की तरह। तो ये है राघव के स्कूल का फ्लाइट ऑफ फैंटेसी, एंड दैट प्रोग्राम नेम इज अंतरागनी। इट्स ऑन 10 December। ये वी आर एक्साइटेड। नमस्कार यूट्यूब परिवार, मैं हूं प्रतिभा और आप हैं आपके अपने चैनल यूपी 32 जिंदगी जिंदाबाद में। उम्मीद करती हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज एक बेहतरीन सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। मैंने राघव का एनुअल फंक्शन अटेंड किया है और ऑफ कोर्स मुझे बहुत खुशी हुई मेरे बच्चे को स्टेज पे देखते हुए। दिस इज सेकेंड टाइम ही इज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज। अंतरागिनी जो ये प्रोग्राम है, इसका नाम है अंतरागिनी द फायर विद इन। भीतर पलती जिज्ञासा, कुछ कर दिखाने का जज्बा, एक खोज, एक लालसा, ये है अंतरागिनी। हम प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं, पर उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है या करना सिखाना कैसे है, इस पर कभी ध्यान नहीं देते और ना ही कोशिश करते हैं। शिक्षा या एजुकेशन एक सशक्त साधन है जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को बदलने का साहस रखता है। एजुकेशन का सही मतलब है एक बच्चे का सर्वांगीण विकास, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट। एक बच्चा अलग है हर बच्चे से, हर बच्चे का हुनर, टैलेंट अलग है, विजन भी अलग है, सबको एक ही तराजू पे तौलना कहां तक सही है। शिक्षा पद्धति में एक मजबूत और एक बड़ा बदलाव बहुत आवश्यक है। सिर्फ किताबी बातों और घिसी पिटी प्रणाली को एक सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता है, जहां सिर्फ किताबी सिद्धांतों की नहीं बल्कि इंडिविजुअल विजन को भी जगह मिलनी चाहिए। तो आइए मेरे साथ एंजॉय कीजिए अंतरागिनी। Ladies and gentlemen, on the August morning of the 4th annual day, Antaragni promotes excellence. Asato ma sadgamaya, tamso ma jyotirgamaya, mrityor ma amritam gamaya. Om shanti shanti shanti. हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। असतो मा सद्गमया एक आवाहन है जो याद दिलाता है कि जो आप कर रहे हैं वो काम कल्याण के लिए है कि नहीं। हम सब जानते हैं कि 1870 के दशक में भारत पर अंग्रेजों का राज था। ऐसी परिस्थिति में 1970 के दशक में इंग्लिश सॉन्ग गॉड सेव द क्वीन गाना अनिवार्य हुआ करता था। ये सब देखकर बंकिम चंद्र को बहुत बुरा लगा। 1976 में उन्होंने एक गीत की रचना की, गाने का टाइटल था वंदे मातरम। 1882 में आनंद मठ उपन्यास में ये गीत प्रकाशित हुआ। इसकी धुन जिसको सुनने मात्र से देशभक्ति से हर भारतीय का हृदय भर आता है, यदुनाथ भट्टाचार्य ने की थी। भारत को स्वतंत्रता मिलने पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इस राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार कर लिया गया। वंदे मातरम, मेरी माँ मैं तुम्हारी वंदना करता हूँ। भारतीय गरिमा का महिमा मंडन करता हुआ हमारा तिरंगा जब आंखों के सामने मंच पे लहरा रहा होता है, तो ये भावना ऐसी है कि बस महसूस कीजिए। इसको ना कहा जा सकता है, ना समझाया जा सकता है, बस कहा जा सकता है वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और अब बारी आती है नन्हे मुन्नू की, उस परफॉर्मेंस की जो हमें ये सिखाते हैं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी में कई इम्तिहान अभी बाकी हैं, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है। स्त्री शब्द बहुत गहरा है, न ओर न छोर, पर ममत्व, त्याग, परिश्रम, भाव, गुण, प्रलय, विनाश, निर्माण, उत्पत्ति से भरा हुआ। माँ दुर्गा का प्रतिबिंब हर स्त्री धारण करती है जब वो जन्म लेती है।
हिमालय राज की कन्या, विश्व को आनंद देने वाली, नंदीगणों के द्वारा नमस्कृत, गिरिवर विंध्याचल के शिखर पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्र के द्वारा नमस्कृत, भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली हे महिषासुर मर्दिनी भगवती, तुम्हारी जय जयकार। किताबें करती हैं बातें बीते जमाने की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की। तो ये प्ले था किताबों के कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर जिन्हें हम बचपन से देखते और सुनते आए हैं। पहले तो चंपक, नंदन, बालहंसी हुआ करती थी। खैर, थोड़ा बाद में किताबें भी अपडेट हुई और बहुत सारे नए कैरेक्टर्स जुड़ गए, जैसे मोगली, फ्रोजन प्रिंसेस एल्सा और भी न जाने कितने ही कैरेक्टर्स जिन पे इन सब बच्चों ने परफॉर्म किया। और ये है हमारे विजयंत रॉय, यानी हमारे रघु। छोटी सी परफॉर्मेंस, थोड़ी सी देर की परफॉर्मेंस, लेकिन दिल को सुकून देने वाली, क्योंकि अपना बच्चा जब स्टेज पे होता है ना, तो आप भी उसके साथ कहीं ना कहीं स्टेज पे डांस कर रहे होते हैं। और ऑडियंस में खुद को देखना, बच्चे को स्टेज पे देखना, बहुत ही बेहतरीन फील। नई नई संभावनाओं के अंकुर ही तो हैं ये बच्चे, कितने खुश, और टीचर्स का कितना बड़ा योगदान जो इन सारे बच्चों की एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज करना। एज बीइंग अ टीचर, मुझे पता है कि कितना मुश्किल होता है छोटे छोटे बच्चों को अकॉर्डिंगली वो करवाना जो वो दिखाना चाहते हैं, पोर्ट्रे करना चाहते हैं स्टेज पे। तो उस मेहनत को बहुत बड़ा सलाम है मेरा कि बहुत मेहनत लगती है। और मुझे मालूम है कि स्टेज पे परफॉर्मेंस देना भी आसान बात नहीं है। बच्चों को अपने अंदर वो विश्वास जगाना, उनके अंदर ये विश्वास रखना कि वो कर सकते हैं, तो ये एक गुरु का ही काम है। गुरु के बिना तो कहते हैं कि भगवान भी नहीं मिलते, गुरु का दर्जा तो वहाँ पर है। और स्टेज से उतरते हुए हमारे छोटे छोटे से रॉक स्टार्स, राघव ने बहुत लास्ट में हम लोगों को देखा और वेव कर रहा है। अभी आप इसमें देखोगे वीडियो में, यहाँ पे देखिए, इसने हमें वेव किया है और देख लिया है कि हम लोग ऑडियंस में हैं। और यहाँ पर चीफ गेस्ट थी मैम वीना सिरोही मैम। बहुत अच्छी बात उन्होंने ये बताई कि हमें अडेप्शन आना चाहिए कि किस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं। जैसे उनके ज़माने में बचपन कुछ अलग तरीके का था, हमारे ज़माने में कुछ अलग तरीके का था, अपकमिंग जनरेशन पे जो चीज़ें बदली हैं वो और भी ज़्यादा बदल के हमारे सामने आ रही हैं। तो कुछ इस तरीके से दिन का समापन हुआ और बहुत अच्छे नोट पे, बच्चों को स्टेज पे देख करके अपने पुराने स्कूल वाले दिन याद आए। और ऑफकोर्स टीचर्स का मेहनत साफ दिख रही थी कि कितनी खूबसूरती से सारी चीज़ें अलाइन की गई थी। अब बारी आती है क्लासेस से जाकर के बच्चों को कलेक्ट करने की। बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत क्यूरियोसिटी पेरेंट्स के अंदर, बहुत खुश चेहरे पे, एक सेटिस्फैक्शन, एक प्राउड मोमेंट कि उनका बच्चा स्टेज पे आया है और स्टेज पे परफॉर्मेंस दी है। हम लोग लेकर के राघव को बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो शूट, क्योंकि ये दिखाना चाह रही थी मैं कि बच्चों में कितना खुशी होती है जब उनके पेरेंट्स ऑडियंस में से उनके लिए क्लैप कर रहे होते हैं, और एक अलग कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। तो ये सारी रॉक स्टार्स के लिए जिन्होंने भी परफॉर्म किया, इट इज अ वंडरफुल वंडरफुल शो। मिस्टर परफॉर्मर, मिस्टर परफॉर्मर इज वेरी हंग्री। एक दिन बड़ा मैं हो ही जाऊंगा, जल्दी जल्दी तो बड़े हो रहे हो। और अब यहाँ पर हम लोग इंजॉय करने वाले हैं राघव की डांस पार्टी, क्योंकि वहाँ तो राघव हमें बहुत थोड़ी सी देर के लिए दिखा है ना। तो अभी खाएंगे डोसा।
तो बहुत जल्द मिलूंगी किसी नए वीडियो में। तब तक मी प्रतिभा साइनिंग ऑफ।